साथ एके मिश्रा जी हैं। एके मिश्रा जी का व्यू पॉइंट भी आप जानते हैं, देश के नामचीन चैनलों में ये बैठते हैं मिश्रा जी, और इनका व्यू पॉइंट अक्सर आमतौर पर न्यूट्रल होते हुए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है व्यवस्था के प्रति। मैं अब एके मिश्रा जी के पास आता हूं। एके मिश्रा जी, आपके पास इसलिए आ रहा हूं, निश्चित रूप से मुदित अग्रवाल जी बोल चुके हैं, वो पॉइंट्स आ चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से बताएं कि ये जो इकोनॉमी में गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट दुनिया अभूतपूर्व है, कभी हुई नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में, तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? प्रेम जी, मैं अपने साथियों से भी करूंगा कि उत्तेजित न होइएगा, और मैं आपकी बात को मानता हूं। मैं यहां पे बीजेपी को भी नकारता हूं और बोलता हूं कि वो लोग भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। मैं मानता हूं और खुले दिल से मानता हूं कि इकोनॉमी 26-27% तक गिर गई थी। मैं मानने के लिए तैयार हूं, कोई इशू नहीं है, और मैं आपके सामने बहाना भी नहीं रखूंगा सर, राजनेताओं की तरह कि जी अमेरिका की भी गिर गई है तो वहां की भी गिर गई है, पूरी दुनिया की गिर गई है। वो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने टाइम पे करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इकोनॉमी इतनी डाउन क्यों हो गई है। भारत में कोई 28-29 स्टेट है, भारत एक यूनियन है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट की इकोनॉमी होती है। भारत की जो जीडीपी होती है वो स्टेट की जीडीपी से मिलकर बनी होती है। इन 28-29 में 85-90% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करने वाले स्टेट है, महाराष्ट्र जिसकी इकोनॉमी है 28.18 लाख करोड़ रुपए, तमिलनाडु 19.43 लाख करोड़ रुपए, वेस्ट बंगाल 12.54, आंध्र 9.71, राजस्थान लगभग, मोटे तौर पर आपने बता दिया, सुनिए नहीं मोटे तौर पर नहीं, मैंने बोला था आप बोलिए मत, देखिए हर स्टेट की गिनाते रहने का वक्त हमारे पास नहीं होता, आपने अंदाजा दिया है ना। देखिए प्रेम जी, दो मिनट रुकिए आप, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अरे तो इकोनॉमी डाउन गई तो साहब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन निगेटिव हो गई, इसलिए देश देश बना है राज्यों से बना है। तो सवाल यह है कि राज्यों से भी एक बार पूछिए, इनके मुख्यमंत्री से पूछिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपकी इकोनॉमी, महाराष्ट्र में तीन तीन पार्टियां, तीन तीन इंजन लगे हुए हैं। मिश्रा जी, आप एक नया एंगल लेकर आ रहे हैं, मिश्रा जी मैं आप एक नया एंगल लेकर आ रहे हैं। अरे हमने आपको रोका था, एंगल का मतलब देखने का नजरिया, अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भारत एक संघीय ढांचा है, इकोनॉमी भी संघीय ढांचे से चलती है, इकोनॉमी गिर गई तो आपकी बात आ गई, इकोनॉमी क्यों गिर गई, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी गिरी है तो स्टेट की जो इकोनॉमी होती है वो भी गिरी है, और उसको उसके ऊपर भी सवाल किए जाए। लेकिन संजीव कौशिक जी, ये स्टेट की इकोनॉमी का कंसेप्ट, ये फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में आज तो खड़ा हुआ नहीं है संजीव कौशिक जी, जमाने से है, और जब देश की इकोनॉमी गिरती है तो निश्चित रूप से स्टेट की भी गिरती है, ये कोई नई बात भी नहीं है संजीव कौशिक जी। इसलिए देश की गिरती है, आप उल्टा मत बोलिए, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी बात आ चुकी है तो देश की गिरती है। दर्शक सुन रहे, हमें भी बोलने दीजिए जी। संजीव कौशिक जी, हाँ प्रेम जी हाँ, अर्थशास्त्र के भाषा में यदि हम बात करेंगे तो ये बात बहुत कूड़ हो जाएगी और आम जनता को ये बात समझ में नहीं आएगी। हम सपाट लहजे में इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा जी, आवाज पहुंच रही होगी, लेट से पहुंच रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको सपाट सीधे लहजे में बात करते हैं कि आखिर देश का गरीब लगातार पिछले 6-7 वर्षों में गरीब और गरीब क्यों होता चला जा रहा है, और अमीर लगातार अमीर क्यों होता चला जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के जो कुछ पैसे हैं या रुपए हैं वो चंद अमीर घरानों के जेबों में कैसे चले जा रहे हैं, बैंक त्राहिवाम कर रही है और बैंक के दोनों हाथ ऊपर उठा के कह रही है कि इसी तरह से यदि रेवड़ी के अंदाज में पैसे बांटे गए और लोग यहां से पकौड़े भागते गए पैसे लेके, तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। और इसके बावजूद RBI अपने दोनों हाथों से, खुले हाथों से सरकार को पैसे निकाल रही है और सरकार को पैसे दे रही है। बावजूद इसके जब हम दक्षिण एशियाई एशियाई क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे निचले पायदान में GDP यदि हम करते हैं तो उसमें सबसे हम नीचे दिखाई देते हैं। इन सब व्यवस्थाओं के बीच में केंद्र से कुछ गलतियां हुई है जिसके बारे में हम सीधे लहजे में केंद्र से बात करना चाहते हैं जी। संजीव कौशिक जी तक आवाज हमारी देर से पहुंच रही तो ये दिक्कत बनी रहेगी, जैसे वो बोलना शुरू करेंगे हम चुप हो जाएंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जैनेन्द्र प्रताप जी को इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूं।
जनेंद्र जी, जैसे आप तक संजीव कौशिक जी की आवाज आने लगी कि आप चुप हो जाएंगे। जनेंद्र जी, आप इस डिबेट में जोड़िए इस बात को, बताइए कि ये इकोनॉमी गिरी क्यों और संभलेगी भी कि नहीं। बिल्कुल, मैं देखिए राजनीतिक तौर पर तो नहीं बोलूंगा कुछ भी, लेकिन एक शब्द और एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि जब आत्ममुग्धता हो जाती है व्यक्ति को तो हर चीज का सत्यानाश हो जाता है। और ये आत्ममुग्धता जो होती है वो इस हद तक थी सरकार को कि वो जो भी डिसीजन लेती थी वो ये मान के चलती थी कि अगर मैं इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा हूँ तो वो सही है, चाहे वो सबसे पहले नोटबंदी हो, उससे पहले रेरा कानून हो, उसके बाद जीएसटी कानून हो। आप देखिए रेरा कानून जब से बना उसके बाद से जितना विनिर्माण क्षेत्र था वो पूरा डूब गया। नोटबंदी हुई 10,700 करोड़ रुपया छोड़ के पूरा वापस बैंकों में आ गया। तीसरा जीएसटी लागू किया तो पूरा मार्केट वापस ही नहीं आया। वापस ही नहीं आया जनेंद्र जी, मैं आपको अपडेट कर दूं कि 2016 में नोटबंदी से पहले अगर देश में 17 ट्रिलियन डॉलर की करेंसी दौड़ रही थी, प्रचलन में थी, तो आज वो 28.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, 12 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल जनेंद्र जी, देखिए उसके कारण तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे इकोनॉमी विस्तार हो रहा है तो वो पैसा भी मार्केट में आ रहा है। मेरे मुंह से डॉलर निकला है, डॉलर नहीं वो रुपया है, डॉलर नहीं वो 12 ट्रिलियन रुपया है निकला है। जी तो मैं उसके ऊपर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी मिश्रा जी की बात जो मैं सुन रहा था बड़ी हंसी की बात बताई इन्होंने कि राज्यों से सवाल पूछिए, कल को अगर वही राज्य भाजपा का होगा तो ये कहेंगे कि जनता से आप जाके सवाल पूछिए, राज्य तो जनता से बना है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारी इकोनॉमी श्रिंक हुई है पिछले एक साल में, जो पिछले एक साल में श्रिंक हुई है उसके तीन प्रमुख कारण है। सबसे पहला है बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ने से जो क्रय शक्ति थी वो कम हुई। दूसरा कोरोना की महामारी है, कोरोना की महामारी की वजह से लोगों ने जो अपनी क्रय शक्ति जिनके पास थी वो क्रय शक्ति भी उन्होंने बैंकों में पैसा जमा कर दिया और बैंकों में पैसा बढ़ रहा है पिछले एक साल में, वो लोन नहीं ले रहे हैं लोग बाजार में परचेज करने के लिए, जो पैसा है उनके पास अपने पास संसाधन पूंजी उससे नया सामान नहीं ले रहे हैं, वो केवल एसेंशियल चीजें ले रहे हैं। और तीसरी चीज है महंगाई, महंगाई इस वजह से है क्योंकि कंपनियों ने जो उनका माल नहीं बिक रहा था उस घाटे को पूरा करने के लिए 20 मुख्य जो आर्थिक हमारे केंद्र बिंदु हैं उनमें से 19 उद्योगों ने अपने सामान की कीमत बढ़ा दी, चाहे वो सीमेंट हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, जो कि हर सामान में पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें आग में घी का काम किया है फ्यूल प्राइस ने। फ्यूल प्राइस ऐसी चीज होती है कि अगर आप फ्यूल प्राइस बढ़ाते हैं तो हर चीज का दाम जो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह दूसरी जगह जाता है या व्यक्ति ट्रांसपोर्ट करता है। मोटे तौर पर आपने कई महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया है आर्थिक विषय तक का जहां तक सवाल है। एक तो हमारी बचत जो है वो लाभ इन्वेस्ट नहीं हो पा रही है, हम डर रहे हैं इन्वेस्ट करने में। दूसरी बात है महंगाई है, तीसरी बेरोजगारी है, और इन सब स्थिति ने मिल करके अर्थव्यवस्था को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके लिए हमें कहना पड़ रहा है कि वो आईसीयू में है। एके मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनका कमेंट लेके मैं ईशान त्यागी जी के पास आऊंगा, थोड़ा छोटे में आप जवाब दें। जो बीच जयेंद्र जी ने जो बोला ना, जयेंद्र जी ने जो बोला, आई डोंट नो वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है कि राजनीति से जुड़े हैं, उनको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं इकोनॉमी के, स्टेट की इकोनॉमी से मिल करके कंट्री की इकोनॉमी बनती है कि नहीं बनती है, इसको कौन नकार सकता है, क्यों नहीं स्टेट की इकोनॉमी को कंसीडर किया एक बार आप क्यों नहीं उनकी पॉलिसी को देखा दर्शकों के लिए डिबेट मत कीजिए। आप तो मैं एक मिनट दोनों को रोकता हूं और ईशान जी से अनुमति लेकर के
चूंकि मोदी अग्रवाल जी को कहीं जरूरी काम से जाना है, मैं उनका एक महत्वपूर्ण वर्जन और लेना चाहता हूं। जी बिल्कुल, मोदी अग्रवाल जी के पास आता हूं। महाराष्ट्र से पूछे क्यों इकोनॉमी पर काम नहीं कर रहे। मिश्रा जी, मैं आता हूं, मिश्रा जी, मैं आता हूं। मोदी अग्रवाल जी तो पूरा राष्ट्र परफॉर्म करने लगे क्या? मिश्रा जी, बात तो होगी ना। मोदी अग्रवाल जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। प्रेम जी, मैं रोकना चाहूंगा। मोदी जी ने जो पहले सवाल जो कहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ, तो पहले हमें मौका इनके सवालों का दिया जाए। जी चलिए, आप बोलिए, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मोदी जी हैं सामने। जी जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आती, तो सरकार इन्होंने जो है ना कितनी 65 साल अच्छी चलाई है वो देश जानता है। और इन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेके ये पार्टी बनी है। अरे भाई, हम हिंदुत्व को लेके खुल के तो सामने कह रहे हैं कि हम हाँ हिंदुत्व को क्या हम तो लेके चल रहे हैं और भी सबको लेके चल रहे हैं, मगर आप तो वो पार्टी हो जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपने आपके इंदिरा गांधी अभी नहीं आगे, एक मिनट प्रेम जी, एक जी, जब इमरजेंसी लगा के और इन्होंने बीच में कौन सा बिल लाए थे? आप म्यूट हैं, अपने आप को ठीक कर लीजिए। जी जी बोलिए। इमरजेंसी के दौरान में इन्होंने सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा था, क्यों इनको जरूरत पड़ी सेकुलर शब्द जोड़ने की? बाबा साहब ने तो नहीं लिखा था सेकुलर, और आपने इमरजेंसी लगा के दो प्रश्न आ गए जेल में बंद करके, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा, क्या दो प्रश्न आ गए? आप इस पे जवाब दे। एक प्रश्न भदौरिया जी, एक प्रश्न आपने उठाया कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और दूसरा सवाल मुसलमानों का है। सीधा कहा था मुसलमानों का है। एक मिनट, आपकी बात आ गई, इस पर मैं मुझे अग्रवाल जी को जवाब जी मुझे अग्रवाल जी आप जवाब दीजिए, आपने कैप्टन आई सिंह जी को सुना है। जी जी देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मैंने वही चीज कहा जो मैंने कहा, जो कैप्टन साहब ने बिल्कुल उसको कंफर्म कर दिया। इन्होंने कोई डेवलपमेंट किसी चीज की बात नहीं की, हिंदुत्व पे आ गए। बेसिकली दिक्कत क्या है बीजेपी के साथ, ये अपनी गरबार में झांक के नहीं देखते। वीर सावरकर, वाजपेयी साहब दोनों अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों को माफीनामा लिखते थे जेल से बाहर निकलने का, और भाषण हमें देते हैं किस चीज का कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है। सुनने की क्षमता दामा रखी। हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी 12-12 साल जेल में रहे, और इनके नेताओं ने माफीनामा लिखा अंग्रेजों से जेल से बाहर निकलने के लिए। यही आरएसएस है, 7 साल पहले तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराती थी। देखिए, इनको हिंदू धर्म से भी कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुत्व, हिंदुत्व है क्या? हिंदुओं को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनका वोट लेना। देखिए, मुझे इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है पेट्रियोटिज्म और हिंदुइज्म की। हमने आपसे पूछा है कि हिंदू है कि नहीं है, सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा? हमने ये पूछा है सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा? आप इस पे जवाब दें। आपने संविधान में सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा? आप इसका जवाब दें। कौन होते हैं हमें बोलने वाले? हम देशभक्त है कि नहीं है? इकोनॉमी पे बात करिए ना, अपनी संस्था के थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मिश्रा जी सही बोल रहे हैं। हम लोग विषय पर रहे, विषय पर रहे। अग्रवाल जी, आपको जाना है। जी जी, आप निश्चित रूप से इस डिबेट से जी जी आप जा सकते हैं। हमारे हमारे सुनिए जी जी, देखिए अभी मोदी जी ने जो बोला, मुझे कंप्लीट कर रहे, 3 लाइन बोलूंगा। बोलते हैं कि जी किसी को चलाना नहीं आता, इनको पता नहीं है। मैं पैनलिस्ट को भी बोलूंगा, अभी नहीं, आजादी के बाद से 3 से लेकर 5 बार अपनी इकोनॉमी माइनस में चली गई है। उस वक्त ना कोरोना था और उस वक्त पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी, तब कांग्रेस की सरकारें थी, -5% -6%। किसी को तोहमत नहीं है इकोनॉमी, कभी 5% माइनस और 6% नीचे नहीं गई है। मिश्रा जी ऐसा ना कहिए कि 5% और 6% तक नीचे गई है। आप कॉन्फिडेंट है? -5% मैं आपको दिखाऊंगा, ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है, कंफर्म करिए। मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रही थी लेकिन -5% आ गया। अरे मैंने 5 से 6 के बीच बोला है ना, मैं 3 बार रहा है 1947 से लेके अब तक, 3 बार कोरोना के पहले तक, मैं उसको भी दोष नहीं देता। लेकिन ये सबसे लो है,
अरे सर पूरे -27% के बाद सबसे लो है ये। जी कहना क्या चाहते हैं वो बोलिए, फैक्टर है ना ये फैक्ट, तो सुनिए क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। सुनिए अब फैक्ट ये है कि इसके पहले भी इकोनॉमी -5% तक 3 बार गई है, डाटा चेक करिएगा। नहीं सर उस टाइम ओपन मार्केट नहीं था, नहीं उस टाइम ओपन मार्केट नहीं था, ये ओपन मार्केट का जमाना है। नहीं नहीं तू ओपन मार्केट बहुत अच्छा कर रही था। आप कैसे कह रहे हैं, अरे आपको जो बढ़िया लगा वो इकोनॉमिक मॉडल आपने अपनाया। हम केवल ग्रोथ, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो, आपके 33% नहीं आया तो आप फेल है। मिश्रा जी मैं ईशान त्यागी जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वो डिबेट में नहीं है, उन्हें जोड़ना जरूरी है। लोगों को इकोनॉमी चलाना नहीं है, इकोनॉमी चलाना आती है इटली के नेताओं को, जिसको कि अभी बेलआउट पैकेज चाहिए। ईशान त्यागी जी मैं आपके पास आता हूँ। ईशान त्यागी जी बहुत देर से आपको पहली बार जोड़ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, बहुत देर हो गई आपको डिबेट में जोड़ने के लिए। ये जो बहस चल रही है, मिश्रा जी भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं और विषय गंभीर है और थोड़ा बहुत भटकता भी दिखा हमारा विषय, लेकिन हम फिर से विषय के इर्द गिर्द आना चाहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लंबा दौर हमने देखा है, ऊंचाई चढ़ाव जो है दोनों देखा है, लेकिन एक जो बात है कि 2014 में हमारी इकोनॉमी सही थी, 16 तक सही रही, बढ़ती गई 8.25 तक पहुंची, लेकिन उसके बाद जो गिर रही है, गिरती चली जा रही, उसमें कोई कोरोना नहीं है, उसमें नोटबंदी है, उसमें GST है, उसमें तमाम चीजें, कोरोना तो अब आया है, तो ये जो गिरावट है इसको कैसे रुकेगी ये? क्या हम एकदम अंधेर नगरी की तरफ जा रहे हैं? प्रेम कुमार जी देखिए डिबेट के लगभग 26 मिनट हो गए हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को सबने 2 या 3 बार अपना राउंड बोल लिया है तो मुझे अनइंटरप्टेड 4 से 5 मिनट या 3 से 4 मिनट दे दीजिएगा इस डिबेट में बोलने के लिए। आप 2 मिनट कंटीन्यूअस बोलिए जी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए युवाओं की बात आनी बहुत जरूरी है इस टाइम। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सार्थक रूप से, बात करते हैं हम GDP की, बात करते हैं इकोनॉमी की, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की, बात करते तो अच्छा भी लगता। हमारी बात चली गई हिंदुत्व पे, हिंदू मुसलमान पे, सेक्युलरिज्म कहाँ से आ गया, सेक्युलरिज्म से कोई दिक्कत तो है नहीं पहली बार तो कैप्टन साहब। दूसरी बात अगर हम बात करें तथ्यों की, देखिए GDP एक ऐसी चीज है जो गरीब आदमी को इस तरह से समझ नहीं आती, लेकिन उसको इम्पैक्ट करती है, इम्पैक्ट युवाओं को भी करती है, गरीबों को भी करती है, अमीरों को भी करती है, सरकारों को भी करती है, कॉर्पोरेट्स को भी करती है, और इंटरनेशनल अगर आप देखें मार्केट तो वहां पे भी GDP इम्पैक्ट करती है हर देश की। अब बात करते हैं हम तथ्यों की, देखिए तथ्यों की बात करें तो देखिए GDP जो होती है वो पिछले 3 या 4 साल में जो आपने काम किए होते हैं उसका फल होता है, ठीक है प्रेम कुमार जी। तो मैं आपको थोड़ा सा GDP पे फैक्ट्स बता देता हूँ 2008 से लेकर। देखिए 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया, पूरे विश्व में ग्लोबल रिसेशन आया, आर्थिक मंदी थी। 2012 से 13 में GDP थी 5.5% देश की। 2013 से 2014 में GDP थी बढ़ के हो गई 6.4%। 2014 से 2015 में GDP बढ़ के हो गई 7.4%। 2015 से 2016 में GDP बढ़ के हो गई 8%। ये बढ़ इसलिए रही थी क्योंकि 5 से 10 साल में काम हुआ था इस दौरान में। हमें पता है किसकी सरकार थी, मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा। देखिए यहाँ पर दूसरी चीज, अब यहाँ पे आती है 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, उन्होंने जो काम किए होंगे उसका फल हमें आज मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2016 से 2017 में GDP हाईएस्ट थी फिलहाल 8.3% जो इस दौरान में, उसके बाद घटके हो गई 2018 के आते आते 6.8%, उसके बाद 2019 तक आते आते 6.5%, उसके बाद कोरोना काल से पहले GDP हो गई थी हमारी 4% जो कि 8% हुआ करती थी 4 साल पहले। तो ये कोरोना जो कैप्टन साहब ने अपने पहले वक्तव्य में बोला था कि देखिए कोरोना से हम गुजर रहे हैं और हमारे को 1-1.5 साल हो गया है, तो कोरोना से पहले ही GDP गिर रही थी, पहली बात तो हमें ये स्थापित यहाँ पे करनी पड़ी। दूसरी चीज अब यहाँ पर आती है कि हमारे पे इसका मतलब असर क्या है और क्या 3 फैक्टर्स जो मैं मानता हूँ कि वो क्या 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है 8 नवंबर 2016 की वो रात जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और बोले थे कि आज हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे, ये पहला फैक्टर है। उससे आपके सारे MSME खत्म हो गए, उससे आपके सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लेबर मार्केट है वो सारी खत्म हो गई, जिसको कैश में पेमेंट्स मिलती है, जो छोटे सेक्टर्स हैं।
दूसरा सबसे बड़ी मार जो एमएसएमई पे हुई है वो हुई है जीएसटी के लागू करने की। जीएसटी जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कितनी बुरी तरह से लागू किया है पूरे देश में, उसने पूरी देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि एमएसएमई सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। देखिए कॉर्पोरेट्स को मैं बहुत बड़ा नहीं मानता, कॉर्पोरेट्स जरूरी है, लेकिन एमएसएमई सबसे बड़ा चंक है पूरे हमारे देश में इंडस्ट्रीज का। एमएसएमई की कमर टूट गई उससे। तीसरी चीज, जो बेरोजगारी का दर 2-3% हुआ करता था किसी जमाने में, वो आज 6-7% के आसपास बेरोजगारी हो गई है। मैं और पैनलिस्ट की बात बता देता हूँ, उन्होंने अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी महत्वपूर्ण बातें आप आई हैं, आपने महत्वपूर्ण बताया है। और बेरोजगारी को लेकर के मैं एक ताजा आंकड़ा रख रहा हूँ, सीएमआईई का आंकड़ा है ये जो आंकड़ा है, आप इस पे गौर करेंगे। ये आप रेड कलर में ग्राफ देख रहे हैं, ये मंथ वाइज आंकड़ा है, और इसमें ये जो लेटेस्ट मई में जाकर के ये 14.5% पर पहुंच गया है। 16 मई को जो वो 14.5% पर पहुंच गया है। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई है, पहले वेव में भी गई थी और दूसरे वेव में भी गई थी, और कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 1 करोड़ तक बनता है, 99 लाख का फिगर है जिनकी नौकरी गई है। मैं आऊंगा ईशान त्यागी जी, नहीं बस मैं एक चीज और है, ये कुछ करेक्ट करना चाहते हैं जैनेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये 1 करोड़ का आंकड़ा है ये पिछले 6-7 महीने का ही है, और ये वो आंकड़ा है जो संगठित क्षेत्र का है, इसमें असंगठित क्षेत्र का पॉइंट आ गया। मैं संजीव कौशिक जी को जोड़ना चाहता हूँ, वो बहुत कम बोल पाए थे, टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। संजीव कौशिक जी, पूरी बहस को आप देख रहे हैं, और शांत त्यागी जी ने भी वो लैंडमार्क्स बता दिए कि कब कब आर्थिक विकास का दर क्या रहा, और उसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताए, नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी का बढ़ना। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है कि हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो आईसीयू में चली गई? क्या देश में जो अस्थिरता का माहौल है, लंबे लंबे राजनीतिक आंदोलन है जिसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और जो चुनाव है, चुनाव के दौरान जो नफरत की सियासत है, इन सब का इन्वेस्टमेंट पर देश की अर्थव्यवस्था? संजीव कौशिक जी, प्रेम जी, अभी ईशान जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जीडीपी जो हम लोग अभी तत्काल में जो देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि अभी तत्काल में जो हमने परिश्रम किया है उसका वो फल होता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पिछले वक्त में जो आपने काम किया है उसका परिणाम है, और उसी के आधार पर इसको हम देखते हैं और आगे गिनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6-7 वर्षों में जिस तरह से देश की सरकारों ने अपने अपरिपक्वता का परिचय दिया है, जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से हर एक क्षेत्र में इतने ज्यादा योजनाओं को लागू कर देना, इतना ज्यादा तरह तरह के नामों से, चाहे वो कभी स्किल इंडिया के नाम पे हो, कभी कौशल विकास के नाम पे हो, या फिर औद्योगिक नीति के नाम पे हो, इतने ज्यादा योजनाओं को नाम दे के उतार दिया गया जो सचमुच में धरातल पे बेहतर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी बीच में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उद्योग की जो स्थिति थी, बाजार से इतने पैसे पहले ही से निकाल लिए गए थे, बाजार में ऋण लेने के लिए और नए काम करने के लिए कोई दूसरा सिस्टम निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। श्रमिकों के पास जाने के लिए तो कौशल बढ़ाने के लिए और कौशल के लिए बहुत सारी योजनाएं चली, लेकिन अभी भी उस तरह से कौशल डेवलप करने की जो बात थी उसकी एक कमी रही, और इस तरह से तमाम ये चीजें रही जो सरकार को वर्तमान में अभी कुछ बेहतर करने के लिए जो आगे होना चाहिए था उस पर सरकार की तरफ से कोई खास उपलब्धि नहीं दिखाई। कहने के लिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि हर सरकार में अलग अलग विषयों के अलग अलग, जिस तरह से डॉक्टरों में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, उसी तरह से सरकार में भी अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन जब वन मैन आर्मी शो के जैसे सरकारें चलने लगेंगी और हर एक चीज के विशेषज्ञ एक ही आदमी बन जाएगा, तो इस तरह से निश्चित रूप से आपको कामयाब होगा। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, आप सुन रहे हैं संजीव कौशिक जी को भी, कि कहीं ना कहीं डिसीजन यूनिफाइड होते हुए भी एक आदमी के हाथ में है, ये एक कारण है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जिस टीम की जरूरत होती है उस टीम की कमी है, क्या मानते हैं आप? हाँ प्रेम जी, मैं वही बताना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकला, डिसीजन सारे राहुल गांधी लेते थे। हाँ प्रधानमंत्री रहे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि प्रधानमंत्री 10 साल रहते हुए मगर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कोई डिसीजन नहीं ले पाए, सारे डिसीजन लेने वाले राहुल हुआ करते थे, और तो और उन्होंने एक योजना बनाई थी, उस योजना को राहुल ने किस तरह से मजाक बना के उसको
फाड़ के और इस तरह से फेंका था जैसे बच्चे खेल करते हैं ना किसी चीज को फाड़ के फेंकते। देखिए इस तरह से अपने देखिए कांग्रेस को कोस देने से नहीं, प्रेम जी प्रेम प्रेम जी थोड़ा हमें बोलने दे, अपनी बात रखने दे, आर्थिक विषय पर जरूर बोलिए। वही बता मैं कौशिक जी की मैं व्यथा समझता हूँ कि कौशिक जी जो है ना जिस तरह से कह रहे हैं तो पीछे भी देख लिया करें कि पीछे प्रधानमंत्री रहे वो कितना बोलते थे, कितनी उनकी योजनाओं पे अमल होता था, उनको तो बोलना उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, अगर कहीं बोल भी देते थे तो उसको उनके उसका फाड़ के फेंक दिया जाता। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कितने अच्छे प्रधानमंत्री थे भदौरिया जी, बिना बोले वो आपको आपको जो इकोनॉमी दे गए थे उसको तो संभाल नहीं पाए। नहीं बोलते हुए क्या कर लेंगे इकोनॉमी, जिस तरह से अभी हमारे मिश्रा जी ने समझाया कि इसमें प्रांतों का स्टेटों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है तो वो सत्यता है, उसको बात ही नहीं करेगा, नकारिए मत नकारिए मत। एक गांव में अगर 10 घर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और चार बोले हम नहीं करेंगे तो वो टॉप अच्छी तरह से नहीं चलेगा। जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते थे आप सुने सुने और कांग्रेस की नहीं है, सबकी इकोनॉमी सरकारों ने जीरो कर दी है। आपके देखिए पूछिए उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की इकोनॉमी क्यों गिर गई, इकोनॉमी बर्बाद करने वाली अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जिसने अमरिंदर सिंह से पूछिए कि पंजाब की इकोनॉमी को, अरे जब जब स्टेट की इकोनॉमी नहीं रहेगी तो देश की इकोनॉमी कहां से ग्रो करेगी। आप तो कांग्रेस की इकोनॉमी और बीजेपी की इकोनॉमी में बांट रहे हैं मिश्रा जी, आप मुझे भदौरिया जी को बोलने दीजिए ना, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। भदौरिया जी को बोलने दीजिए, सरकार का नाम लिया मैं आपके पास, मैंने स्टेट का नाम लिया, इन स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाइए। हाँ वो ही मैं कह रहा हूँ प्रेम जी कि जो भी इकोनॉमी है उसमें सभी स्टेटों का कंट्रीब्यूशन होता है तो हम स्टेटों को अलग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस शासित प्रांत हैं इनका 0% हो रहा है, कोई साथ नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूँ, भदौरिया जी भी सुनेंगे मिश्रा जी भी और पैनल से भी आग्रह है, एक महत्वपूर्ण बात सुनेंगे। जीएसटी जब आई, इस जीएसटी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जहां पर सामान बिकता है वहां और वहां पर वो जो सेल होता है उसका लाभ वहां की सरकार को मिलता है, जहां प्रोडक्शन होता है उसको नहीं मिलता है फायदा। तो इस जीएसटी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग उत्साहित नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हतोत्साहित हुआ, क्योंकि जहां ये सेल होगा वहां पर उस स्टेट को फायदा होगा। तो इसमें स्टेट क्या कर लेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट है उनका तो नुकसान होगा। आइए सर जीएसटी लागू हुआ, मैं जवाब लेता हूं, हाँ जीएसटी लागू हुआ तो स्टेट से पूछ के लागू हुआ, स्टेट ने हाँ किया। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट अपने आप में एक राष्ट्र है, आप जीएसटी से बाहर निकल जाइए, बहुत सारी चीजों में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज को नहीं मानती, आप अपनी इकोनॉमी की जिम्मेदारी खुद लीजिए सर, तभी राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसमें क्या, उस वक्त तो स्टेट ने मना कर दिया, हाँ बोल दिया हम ज्वाइन करेंगे। मिश्रा जी कह रहे हैं कि स्टेट ने हाँ कहा था जीएसटी को तो आज उनको सवाल उठाने का हक नहीं है, ठीक है स्टेट क्यों सवाल उठाएगा, सवाल तो प्रेम कुमार उठाएंगे कि मिश्रा जी उठाएंगे, स्टेट में तो बीजेपी की सरकार रहेगी महाराष्ट्र में, आज उद्धव की सरकार है तो क्या इसी तरीके से देश की इकोनॉमी चलेगी। हम तो उद्धव से कैप्टन अमरिंदर सिंह से जवाब ले रहा हूं। पहले इन्होंने मिश्रा जी ने बोला कि 1979 में 5.2 गई और उससे पहले गई, उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और 91 के बाद ये हमारी जो ओपन मार्केट की अगर भाजपा सरकार हुई तो ये घर घर खटखटाएंगे जाके, क्या ये घर घर जाके खटखटाएंगे कि भैया तुमने पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट किया,
तुमने ये चीज का टैक्स क्यों नहीं भरा? सारी योजनाएं होती है जी भदौरिया जी, सबसे आग्रह है उद्योगों के लिए वाणिज्य मंत्रालय है, किसान उद्योग नीतियां बनाई जाती है, एक क्लियर करिए, वहीं से इकोनॉमी शुरू होती है और वहीं पे आके खत्म होती है। ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात आ रही है लेकिन दूसरे को बोलने देंगे। ईशान त्यागी जी, आप सुन रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस जीडीपी की गिरावट के लिए जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? कोई जवाब देना इस पे। प्रेम कुमार जी देखिए देखिए मिश्रा जी, एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए आप इस तरह से ना लोगों का जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ गुमराह। चलिए पॉइंट पर आइए प्लीज। पहला बजट जो था हमारे देश का जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे वो न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कम बजट था हमारा। उसके बाद उस बजट को हमने उस इकोनॉमी को हम इतना ऊपर लेके चले गए कि आज हम 2 या 3 ट्रिलियन पे खड़े हैं, जिसकी मोदी जी ने बात करी थी हम 5 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। तो ये मत बोलिए कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, खूब एम्स खुले हैं, खूब इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं और खूब हॉस्पिटल खुले हैं, हमने प्रोग्रेस करी है, दिक्कतें कितने डेमोक्रेसी में, कितने एम्स खुले थे अभी तक 70 साल में, कितने खोले बताइए मुझे। और हम बताए कि हमने 6 साल में कितने खोले और आप बताए कितने खोले। कैप्टन साहब हमने 16 खोले, बोलने दीजिए साहब, आपके तो और आपके 5 खोले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1991 से 2014-23 साल में जितने सरकारी संसाधन बेचे गए हैं उसके 214% संसाधन केवल 6 सालों में बेच दिए सरकार ने। जिन संसाधनों को बेचने से जितने लोगों की नौकरी गई है वो कहां पर है? 6 लाख लोगों को केवल नौकरी दी है चीन पिछले 6 साल में। 11 ट्रिलियन की इकोनॉमी नेहरू जी ने बनाई, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी। जापान हमसे आगे बढ़ गया 70 साल में, हमारे सामने 6 साल में केवल 7-8 लाख नौकरियां दे पाई है केंद्र सरकार। मैं सबको बोल सकता हूँ प्रेम जी, बोलने तो बोलने तो दीजिए, जिसकी बारी हो कम से कम वो बोले। कांग्रेस की कोई कांग्रेस ने ईशान जी बोल, ईशान जी कंप्लीट कीजिए बात, उसके बाद हमें जाना है कौशिक जी के पास। नहीं इस तरह से देखिए, हम व्यूअर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं बिल्कुल भी। मैंने जो तथ्य उठाए, देखिए जब आप एक घर बनाते हैं ना प्रेम कुमार जी, तो नींव का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। ऐसा नहीं होता कि आप जमीन से उठा के घर बना देते हैं, इस तरह से नहीं इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी में जब बोल रहे हैं तो कम से कम आप उसकी नींव की बात करिए, इस तरह से बात मत करिए कुछ भी मिश्रा जी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि सरकार जो है फिस्कल डेफिसिट की मैं बात करता हूँ, एक मिनट आप मिश्रा जी, फिस्कल डेफिसिट की मैं बात करता हूँ, फिस्कल डेफिसिट इस पर 9.3 करोड़ है, यानी कि 18 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा फिस्कल डेफिसिट है। जब सरकार मार्केट से पैसा उठाएगी तो बाकी जो प्राइवेट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मार्केट से कैसे पैसे उठाएंगे? जब सर मुझे एक ही चीज बता दीजिए, तो इंटरेस्ट रेट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है जीडीपी में, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन आपका भी है मेरा भी है। अरे वो बगल में तो सवाल तो आपका अच्छा, आदमी का कोई रोल ही नहीं है। नहीं उसका भी सवाल अच्छा है, आप पूछेंगे आप स्टेट से पूछिए, डिमोनेटाइजेशन में मिश्रा जी आपका सवाल आ चुका है, मैंने भी जवाब दिया है, त्यागी जी को बोलने तो दीजिए। नहीं सवाल तो आ गया मिश्रा जी का, एक मिनट, मगर उसका आप विश्लेषण भी तो करिए कि आप ये स्टेट अपना कंस्टिट्यूशन क्यों, उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा, उस पे तो बोल ही नहीं रहे। चलिए मैं ईशान त्यागी जी, अब मैं संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगा, मेरे पास समय कम है, बहुत समय 10 सेकंड दीजिए मेरे को, एक मिनट बोल दीजिए। पहली बात, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसमें स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन नहीं था, ये बात ना करें कि हर चीज स्टेट्स पर डाल दी जाएगी जिस तरह से अभी कोरोना में डाली जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जब आप स्टेट्स का जीएसटी मार के रख लेते हैं, उनका जीएसटी बकाया वापस नहीं देते, तो स्टेट्स कहां से प्रोडक्शन करेंगे, कहां से वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट आ गया, ये बताइए ना जीएसटी स्टेट का क्या जा रहा है क्वेश्चन जी के पास, जीएसटी देने की जरूरत थोड़ी मार के रख लेते हैं वही सवाल मैं रख रहा हूँ संजीव कौशिक जी के पास कि स्टेट की ही भूमिका है कि वो इकोनॉमी गिर रही है, ये आप बताएं कैसे? प्रेम जी सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी खासियत है कि वो
प्रेम जी सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी खासियत है कि वो आंखों देखी कानों सुनी बातों को भी झुठलाने में बड़े तजुर्बेकार है और अपने बातों के दम पे वो झुठला भी देते हैं। मूल बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी पिछले 45-47 साल में सुनिए मिश्रा जी ये इससे इनकार कर जाइएगा क्या जो बेरोजगारी का दर है या पिछले 45-47 सालों में जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है इससे आप इनकार करेंगे क्या? लगातार सारे सेक्टरों में बेरोजगारी मजदूरों के लिए काम नहीं है, सरकारी सेक्टर की स्थिति खराब है, लोगों के पास काम नहीं है, जेब में पैसे नहीं, लोग सुनिए तो सही, अरे कितनी बेरोजगारी, जेब में पैसे नहीं है, मार्केट में सामान खरीदने के लिए आप जा रहे हैं, एक आदमी के जेब में जब पैसे नहीं है तो मार्केट में जाकर सामान कहाँ से कर देगा? जब सामान नहीं खरीदेगा तो बनाएगा क्यों? जब बनाएगा नहीं तो पैसे का कैसे होगा? ये सारे सिस्टम को पिछले मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, लोग जब बाजार में मार्केट में सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर मैन्युफैक्चरर बनाएगा क्यों? और जब बनाएगा नहीं तो फिर उसके यहाँ काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी? ये पूरा सिस्टम जो है पिछले 5-6-7 सालों में जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से दूरदर्शिता के अभाव में वो सब ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। AK मिश्रा जी।